शांति। तो आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक श्वेत शुभ्र प्योर फरिश्ता पहुंचा है, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1936 में हैदराबाद सिंध में परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ और उससे एक साल पहले 1935 में मुंबई नगरी में दीदी का लौकिक जन्म हुआ। और दीदी को शुरू से ही था कि मुझे दुखियों की, गरीबों की सेवा करनी है और इसीलिए आपने डॉक्टर की पढ़ाई भी पढ़ी। और डॉक्टरी पढ़ाई लगभग पूरी ही होने वाली थी। 1962 में आपको ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ और फिर आप दोनों प्रैक्टिस आरंभ कर दी, मेडिटेशन और मेडिकेशन। और फिर 65 में आपने क्लिनिक भी खोला। 65 में क्लिनिक खोल के बाबा की राय सलाह से 71 तक क्लिनिक भी चलाते रहे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाबा से पूछकर ही आपने अपने पिता का धन सफल कराया। आप वो पहली कन्या हैं जिसने अपने पिता से सेंटर प्राप्त किया दहेज के रूप में। तो सेंटर और क्लिनिक आप दोनों चलाते रहे। और फिर बाबा ने आपको विदेश में सेवा अर्थ भेजा। 72 से आप 78 तक विदेश में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहे। जो पहला ग्रुप हमारा गया था ना विदेश में, उसमें आप भी थे। लंदन जो पहला ग्रुप गया था, तो हम कह सकते हैं कि लंदन की सेवाओं के आधार मुहूर्त में से एक है हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी। 74 तक लंदन में रहे, फिर यूके भी पूरा ट्रैवल किया और फिर अफ्रीका में भी कुछ मास रहे और मॉरिशस में भी कुछ वर्ष रहे। इस तरीके से 72 से 78 पूरा यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, अफ्रीका आदि की सेवा करते रहे। और 78 में आपने फाइनली अपनी सेवाओं का बेस ऑस्ट्रेलिया को बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया में आपने सेवाओं का बहुत विस्तार किया, जिसमें 3 रिट्रीट सेंटर हैं और काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। तो वर्तमान में हम कहेंगे आप ऑस्ट्रल एशिया रीजन की डायरेक्टर हैं, ज्ञान सरोवर अकेडमी की भी आप डायरेक्टर हैं, आईटी विंग की आप चेयरपर्सन हैं और पूरे ही इंस्टीट्यूशन की आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। और उसके साथ साथ हम सभी जानते हैं जो आज हमने विषय रखा है, व्यर्थ से इनोसेंट बाबा के सच्चे सेंट, तो उसका आप जीता जागता एक उदाहरण है। तो ऐसी हमारी दीदी जिनको बाबा निर्मल आश्रम कहकर पुकारते थे, जो निर्मलता की, पवित्रता की मूर्त है, उनसे हम सुनेंगे व्यर्थ से इनोसेंट और बाबा के सच्चे सेंट हम कैसे बने। क्योंकि हम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं कि जिस संपन्नता की ओर हमें क्या होना है, इच्छा मात्रम अविद्या जैसी स्थिति बनानी है और साथ साथ व्यर्थ से इनोसेंट भी बनना है। तो दीदी जिनके जीवन में हमें ये देखने को मिलता है, उनसे हम जानेंगे कि हम भी अपने जीवन में व्यर्थ से इनोसेंट, सच्चे सेंट कैसे बने। आदरणीय दीदी जी, और दीदी 7:30 तक योग भी कराएंगे। ओम शांति।
हमारा मन रूपी घोड़ा बहुत तेज चलता है। योग में आकर हम सोचते हैं कि हम मन को शांत करें, परंतु देहभान के संस्कार कड़े हैं, बीच बीच में देहभान आ जाता है। पूरा देही सदैव रहना थोड़ा मुश्किल है, और जब देहभान आता है नेचुरली व्यर्थ नेगेटिव अपवित्र संकल्प हर प्रकार के संकल्प चलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संकल्पों को चेक करें, अटेंशन रखें और व्यर्थ की जगह समर्थ संकल्प चले, ज्ञान के संकल्प चले, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब किस प्रकार से संकल्प चलते हैं? क्या है कि हमारी पुरानी आदत है परचिंतन, परदर्शन, परमत पर चलने के। तो ये होता है प्रदर्शन हम करते रहते हैं, कौन कैसे बैठा है, क्या खाता है, कितना खाता है, कैसे चलता है, किसे बोलता है, किससे बोलता है, सबको देखते रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं और उसमें जजमेंट करते हैं, ये ठीक है या नहीं। और फिर क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसे कैसे, स्पेशली जो गृहस्थी है, कलर कपड़े पहनते हैं तो उनकी नज़र जाती है कि अभी कौन से कलर की फैशन है, इसने कौन सी साड़ी पहनी है, कौन सा ब्लाउज पहना है, मैचिंग है या नहीं। तो ये हमारे संकल्प चलते रहते, इतने तक भी ये भी सोचेंगे इतनी कीमती चीज है परंतु मैचिंग ठीक नहीं है, जजमेंट कि इन्होंने ठीक किया है या नहीं। तो इसलिए परदर्शन, जैसे बाबा कहते हैं, आँखें सबसे ज़्यादा धोखे वाली हैं, धोखे देने वाले। आँखें देखती है फिर इच्छा होती है कि हमारे पास भी ये हो, खरीदारी करें, फिर इंक्वायरी करेंगे कई कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, क्या प्राइस है, कहाँ कितनी प्राइस है, आदि आदि इंक्वायरी करेंगे। और फिर नेचुरली है, खरीदारी करनी है तो पैसे भी चाहिए, खुद नौकरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कैसे पति से पैसा निकालें, क्या युक्ति रचे। स्त्रियां युक्तियां तो मशहूर है ना। तो खरीदारी और
फिर औरों का ओपिनियन के ऊपर भी बहुत हम डिपेंड होते हैं कि और लोग क्या सोचेंगे, और लोग हमारी चीज पसंद करेंगे या नहीं। हाँ, तो परमत का बहुत चिंतन चलता है। कोई प्रशंसा करेंगे तो समझेंगे वाह मेरा चॉइस ठीक है। कोई निंदा करेगा तो दुखी होंगे। तो इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कि बाबा के बच्चे बने। क्लास में तो सफ़ेद पहनते हैं, परंतु बाहर में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, लोकमत का टू मच ख्याल नहीं करना है। ख्याल भी करना है, क्योंकि हम कहते हैं कि देखो हम लोगों के नियम बने हैं कि भाई और बहन एक स्कूटर पर नहीं जाए। क्यों, लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए लोकमत का ख्याल भी करना पड़ता है, परंतु लोग क्या कहेंगे। हम सफ़ेद कपड़े पहन के रोज सवेरे क्लास में जाते हैं, कई बार लोग कहेंगे ये रोज सफेद कपड़े पहन कर चल पड़ी, घर का ध्यान नहीं रखते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, सवेरे सवेरे चल पड़िए ब्रह्मा कुमारी के पास। तो उसकी परवाह नहीं करनी है। देखो साउथ इंडिया में थोड़ा उनको परवाह करनी पड़ती है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते। सिंगापुर मलेशिया में भी माताएं कई हैं जो पूरा सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते हैं, पर बाकी के इंडिया में तो चल जाता है सफ़ेद कपड़े। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे व्यर्थ संकल्प ना चले, हमें अंतर्मुखी रहकर अपने आप का स्वचिंतन करना है और बाप को याद करना है। औरों का न दर्शन करना है, न चिंतन करना है, न जजमेंट करनी है। और व्यर्थ संकल्प पास्ट के भी बहुत चलते हैं। पास्ट में किसी ने हमारे से दुर्व्यवहार किया है, हम भूल नहीं सकते कि इसने ये हमको किया है। तो बाबा कहते हैं पास्ट को फुल स्टॉप दो, अपना ब्रेक पावरफुल होना चाहिए, और फुल स्टॉप देकर प्रेजेंट में जैसे भी पास्ट का संकल्प आए मन में ज्ञान मनन मंथन चिंतन करना शुरू करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, बाबा को याद करो। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ को समर्थ में बदलो। जिसने पास्ट में आपको कुछ बुरा किया है, बोला शब्द है या आपसे व्यवहार ऐसा किया है, तो ज्ञान है कि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, पूरा होगा। उनको माफ़ कर दो,
माफ करेंगे तो पास्ट भूल जाएगा, माफ नहीं करेंगे तो पास्ट याद आएगा, वैर लेने की, बदला लेने की भावना उठेंगी, इसने ऐसे किया, मैं भी ठीक करूँगी, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, उसने दो दिया है मैं चार दूँगी, मैं कोई कमज़ोर थोड़ी हूँ। तो ये बदला लेने की भावना ना हो, बाबा कहते हैं बदल कर दिखाओ, बदला मत लो। और कईयों का नाजुक स्वभाव होता है, तो नाजुक स्वभाव वाले क्या करते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं। दादी ने हमसे ओम शांति नहीं की, औरों को ओम शांति कहते हैं, हमको नहीं करते। हमारे पास एक चाइनीज बहन थी, कहती है दादी इंडियन बहनों को ओम शांति करते हैं, हमको नहीं करते हैं। तो अपसेट हो जाते हैं कि बहन जी औरों को कोर्स देती है, हमको नहीं देती है, हमको कर्मयोग नहीं देती है, आदि आदि नेगेटिव संकल्प आते हैं और मन नाराज हो जाता है। और बाबा कहते हैं टीचर से नाराज होकर या बाप से नाराज होके पढ़ाई नहीं छोड़नी है, नहीं तो पढ़ाई छोड़ते हैं तो अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ा लगाते हैं। तो ये ना हो, अपने पांव को कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। और जो भी सेवा मिले उसमें खुश रहना, क्योंकि ज़्यादातर तो आजकल सेंटरों पर कर्म योग रहता है, ज्ञान योग की सेवा तो बहुतों को दे नहीं सकते हैं। तो ये ख्याल ना आवे कि ये क्या, मैं क्या इसी काम के लायक हूँ। कई बार सरेंडर सिस्टर भी सोचती है, क्या मैंने अपना जीवन इसके लिए दिया है, सारा दिन बर्तन सफाई करो, घर सफाई करो, खाना पकाओ। नहीं, जो सेवा है प्रेम से करना है। हाँ, हमारी भोली दादी का कितना अच्छा मिसाल है, बाबा कितना प्यार से याद करते थे, सारा दिन किचन में बिजी रहते थे, इतने तक कि अभी बाप दादा की मुलाकात में भी नहीं आती थी, किचन में ही बैठी रहती थी, पर सबको खुश करती थी। जिसने जो चीज़ मांगी, जब मांगे, तैयार करके देखो, प्रेम से देती थी। तो बाबा भी महिमा करते थे। तो एक तो हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, व्यर्थ समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि कईयों की आदत आती है बस सफाई में, सारा दिन सफाई सफाई करते रहेंगे, टेबल पर हाथ लाए, अच्छा मिट्टी है, कपड़ा लिया, साफ करें, दिन में 10 बारी सफाई करेंगे। या कईयों को खाना पकाने का शौक होता है, सारा दिन किचन में लगे रहते हैं, और अमृत वेला नहीं, मुरली नहीं, बाबा की सेवा नहीं, तो ये भी बैलेंस रखना है।
लौकिक अलौकिक का, कि समय निकाल करके सेंटर में सेवा देने। आजकल तो कोविड के कारण शायद सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, जो जा सकते हैं ज़रूर मुरली के लिए, सेवा के लिए ज़रूर जाएं, ऐसे नहीं सारा दिन घर का काम करते रहें। क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है, हम फिजी में गए थे, उस समय सेंटर नहीं था तो किसी परिवार के साथ रहे थे, तो उस माता के अपने दो बच्चे थे, दो अपने ननंद के बच्चे, छोटे गांव से वहाँ बड़े शहर में पढ़ने आए थे, चार बच्चे थे, 15-16 वर्ष के थे। ओ माता सवेरे अमृत वेले से रात को 10 बजे तक बिजी, नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, फिर घर की सफाई, कपड़े धुलाए, कपड़े सुखाना, उतारना, प्रेस करना, और फिर दिन में टाइम मिलता था तो पति की शॉप पर जाकर पति को मदद करना, आंगन सफाई करना, सब कुछ करना, क्योंकि वहाँ तो नौकर होते नहीं। और इतने तक कि मैं थी तो भी उसको बिचारी को मुर्दे के लिए टाइम नहीं था, अमृत वेले के लिए टाइम नहीं था। तो कई बार कई माताएं अपने को इतना बिजी कर देती है, बात मत पूछो। लेकिन लंदन में हमारे पास एक माता थी, अभी भी जिंदा है, वो लंदन से दूर रहती थी इल्फर्ड में, तो पति पत्नी और दो बच्चे थे, पर उसको मुरली का शौक था, तो छोटे बच्चे को लेकर ऑल्टरनेट डे मुरली में ज़रूर जाना है। पति को कहा एक दिन आप जाओ, एक दिन मैं जाऊंगी। ड्राइविंग सीखा, ड्राइव करके आती थी बच्चे को लेकर, पति ड्राइविंग नहीं करता था पर पत्नी ने ड्राइविंग सीख लिया, शौक था कि जाना है क्लास में। तो क्या है कि जिसको पढ़ाई का शौक होता है वो किसी भी तरह जाता है, और विदेश में तो वो लोग ड्यूटी डिवाइड कर देते हैं, पत्नी कहेंगे मैं खाना पकाएंगी, आप बर्तन साफ करो, बच्चे बर्तन पोंछो। और यहाँ माताएं सब कुछ, पति को गरम गरम रोटी खिलानी है और इंडियन पति न्यूजीलैंड में भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो पत्नी नौकरी भी करेंगी, वाइट वॉश भी करेंगी, सब कुछ करेंगे, और पति को गरम गरम रोटी भी खिलाएंगी। और एक माता को तो पति को हाथ में लंच बॉक्स देना पड़ता था, नहीं तो वो भूल जाता था, लंच बॉक्स तैयार तो करना है, पर यदि हाथ में जाते समय नहीं दिया तो पति ले नहीं जाएगा। तो कई बार इंडियन माताएं पतियों को या माताएं बच्चों को, लड़कों को इतना कहती है किचन में जाना आपका काम नहीं है, लेकिन वाइट लोग हैं,
हमारे कई भाई सेंटर संभालते हैं, और ऐसा अच्छा सफाई रखते थे। एक बार ये एडलेड में माताओं को किचन क्रॉस करके जाना पड़ता था बाबा के कमरे में, कहते हैं ये भाई लोग तो देखो किचन कितना साफ रखते हैं। तो क्या है कि जब समझदारी है तो काम भी एक दो को मदद करते हैं, सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। अब व्यर्थ संकल्प ईर्ष्या के कारण भी हो सकते हैं, इसको ज़्यादा मान मिलता है, इसको ज़्यादा सेवा मिलती है, इसको लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, लोग के बस इच्छा होती है, हमारे पास ये भी हो वो भी हो, ऐसा भी हो वैसा भी हो, ये अच्छा लगता है, मुझे चाहिए। और आजकल तो हर को कैमरा चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये भी इच्छा रहती है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो भी नाराज़ हो जाते हैं, स्पेशली जो बड़ा है, छोटा है, उसको बोला कि ये करना है नहीं किया, नाराज़ हो गए। तो इसलिए देखना है कि ये भी नाराज़ होना, फोर्स से बोलना और किसको कहना तुम तो बुद्धू हो, अपमान करना, ये भी अहम की निशानी। और मोह भी बहुत कड़ा दुश्मन है, क्रोध और मोह। चलो काम विकार तो जीत लिया, पर क्रोध और मोह लौकिक में या अलौकिक में मोह होता रहे तो ये भी अच्छा नहीं है। फिर में क्या संकल्प चलते हैं, उसके लिए ज़्यादा खातरी करते हैं तो दूसरे को फिर ईर्ष्या आएंगी कि देखो मम्मी है भाई को लिए ये खास निकाला, हमारे लिए नहीं दिया। तो माँ बाप का भी कभी कभी कोई बच्चे में विशेष मोह होता है तो ज़्यादा खातर करते हैं। और काम विकार के भी सूक्ष्म रूप, नाम रूप का प्यार, किसी से प्रभावित होना, किसी से आकर्षित होना और फैमिलियरिटी, सब देखना है कि ये हमारे में ना हो। आपने दीदी जी की मूवी देखी क्या? नहीं देखी हम, 28 जुलाई को दिखाई थी हम लोगों ने, यहाँ भी दिखाई होंगे। दीदी जी कहती थी कि सहेली और सखी का अंतर बताती थी, मतलब सखी बनकर ज्ञान की आपस में चर्चा करो, पर सहेली बनकर झरमुई जगमुई ना करो। तो इसलिए ये देखना है कि जिससे भी मिलते जुलते हैं ज्ञान चर्चा जरूर करो, परंतु
ये मरा, ये जिंदा हुआ, ये भाग गया, इसकी इसके साथ शादी हुई, ये नहीं। हम 1978 में जब हम न्यूजीलैंड में थे, तो न्यूजीलैंड में सब नौसारे के आसपास के लोग, और फ़ोन फ्री होता था, तो माताएं जब भी फ्री होंगी एक तो के फ़ोन करेंगी कि इसका क्या हुआ, ये किसके साथ शादी हुई, इस किसके साथ भाग गई, क्या हुआ। सारा दिन जर्मुई जर्मुई, फ्री फोन है क्यों नहीं। तो इसलिए ये देखना है कि हमारा समय, कर्तव्य, संकल्प, संबंध ऐसा हो जिसमें अलौकिकता हो, दिव्यता हो, ज्ञान युक्त हो। जैसे पैसे पहले चलते थे ऐसे नहीं चलना, अभी बैलेंस रख के चलना है और अपना सब सफल करना है। चाहे तन की सेवा है, मन का वचन है, कर्म है, ऐसा करना है जिसे हमारा भाग्य बने, ना कि लौकिक बंधन में हम बांधे। तो ये है व्यर्थ। अब ये हमको संत बनना है, तो संत की मुख्य विशेषता क्या है? ईश्वर से स्नेह। हम गाते रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो सचमुच दिल से हम सोचे कि मेरा तो एक शिव बाबा है, या पति, बाल, बच्चे, पत्नी, ये सब मेरे हैं, मेरे को तेरे में समर्पण किया, सब कुछ बाबा का है, ये बुद्धि में है। तो ईश्वर से सर्व संबंधों का हमें अनुभव करना है। बाबा से हमको सब सहारे लेने हैं, तो लौकिक से सहारा लेने की दरकार नहीं रहेंगी, उनसे मोह नहीं रहेगा। जब उनसे सहारा लेते हैं तो मोह रहता है। और संपूर्ण पवित्रता, कोई भी विकारों का अंश मात्र ना रहे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं, अरे ये 30 साल से है गुस्सा करता है, मैं तो 5 साल से हूँ ना, गुस्सा नहीं आएगा क्या, इसने ऐसा किया तभी तो मुझे गुस्सा आया ना, बहानेबाजी ने। बाबा कहते हैं भाई बहन को ना देखो, माँ बाप को देखो और उसको फॉलो करो। तो मम्मा बाबा को आप में से मुश्किल किसने देखा होगा, आपने देखा है? बस एक दो ने देखा होगा, परंतु मम्मा बाबा की बायोग्राफी किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठाना। 75%। अच्छा, प्रकाशमानी दादी को किसने देखा है? करीब 60-70%। तो उन्हों की बायोग्राफी पढ़ो, उनका जीवन देखो,
कितना श्रेष्ठ, हमें उनको फॉलो करना ना कि भाई बहनों को देखना है। भाई बहनों को देखेंगे सब तो संपूर्ण नहीं बने हैं, किसी ने किसी की कमजोरी देखेंगे, किसी का अवगुण देखेंगे, किसी का विकार देखेंगे तो क्या होगा, अपना ही मन खराब होगा। मम्मा कहती थी देखो सब अपना घर का कचरा फेंकना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, घर का कचरा फेंक कर बाहर रास्ते पर फेंक देते हैं। अभी पड़ोसी अपने घर में तो नहीं लाएगा वो कचरा, इसी रीत से सब अपनी कमजोरी तो फेंकना चाहते हैं। उसकी कमजोरी आप देखेंगे तो आप में वो आ जाएंगे, इसलिए किसी की कमजोरी मत देखो। और दूसरा मामा कहते थे कि आपको यदि किसी से नाराजगी है, कंप्लेन है तो इधर उधर नहीं सुनाओ, अपनी सखी को नहीं सुनाओ या दूसरे जिज्ञासुओं को नहीं सुनाओ। क्यों? उससे क्या फायदा होगा, उससे उसका मन भी बिगड़ जाएगा, उसका ओपिनियन भी खराब हो जाएगा। जैसे कोई उल्टी करते हैं तो क्या करेंगे, बाथरूम में जाकर या वॉश बेसिन में फ्लश करके साफ कर देंगे, घर के बीच में तो नहीं करेंगे। या रास्ते में भी उल्टी आई तो क्या करेंगे, एक किनारे जाकर उल्टी करेंगे ना, रास्ते के बीच में नहीं करेंगे। बीच में करेंगे उस पर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगी, उसको भी बीमार करेंगे। इसलिए बीमारी में डॉक्टर से इलाज करना होता है, सखी सहेली से नहीं। अर्थात कंप्लेन करनी है सीनियर को बताओ गुड विशेस से, कि वो सीनियर सिस्टर उसको शिक्षा दे और परिवर्तन करे उस सुभावना से। क्रिटिस्टिका करने से के ख्याल से नहीं। तो इसलिए देखना है कि हमारी हर एक के लिए सुभावना रहे। और हमें ध्यान रखना है हमारा सोचना ज्ञान युक्त हो, बोलना ज्ञान युक्त हो, किसी से चर्चा करो ज्ञान की चर्चा करो। तो ज्ञानी तो आत्मा बनना है, संत आत्मा क्या करते हैं, ज्ञान का प्रवचन करते हैं ना। तो इसलिए हमको देखना है कि ज्ञान के अनुसार हमारा संकल्प बोल कर्म होता है या साधारण होता है। क्योंकि लक्ष्य क्या है, हर एक का लक्ष्य है, आज भी मुरली में बाबा ने बताया ना, कृष्ण जैसा बनना है, कृष्णपुरी में जाना है, कृष्ण जैसा पति चाहिए, बच्चा चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता है राम जैसा बनना है। तो लक्ष्य ऊंचा है तो हमारा सोचना बोलना भी श्रेष्ठ होना चाहिए, ना कि साधारण। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या ड्रेस करना है, बाल कैसे बनाना है आदि नहीं। योगी बाबा कहते हैं
निरंतर योग कर्मयोगी। तो चलो कभी कभी अच्छा खाना पकाना है, टाइम दो, पर कभी कभी जैसे संडे संडे हम अव्यक्त मूल्य सुनते हैं, रोज नहीं, रोज साकार मूल्य, ऐसे कई घरों में संडे संडे स्पेशल खाना बनता है, रोज दाल दाल रोटी चपाती सब्जी रोज वही बनता है। इसी रीत से खाना कभी कभी अच्छा भी बनाओ, परंतु बाबा के याद में, नहीं तो इंडियन खाना है वो क्या होता है, बहुत तला होगा, खूब मिर्ची, टेस्टी तो बन जाता है परंतु उसमें से सत्व सब निकल जाता है, विटामिन्स मर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा योगी बनकर अपना स्वाद का ख्याल ना करके, हेल्थ का ख्याल करके कि किस में ज़्यादा ताकत है, ऐसा खाना भी पकाओ, योग में पकाओ, योग में खाओ। मम्मा हमेशा बाबा की याद में खाते थे, कभी कंप्लेन नहीं कि इस खाने में मिर्ची ज़्यादा है या कम है, या कभी कंप्लेन नहीं। जो मिला प्यार से खा लेती थी, नमक कम है ज़्यादा लिया नमक, कंप्लेन नहीं करती थी मामा। और योग भी रोज सवेरे 2:30 बजे से 5 बजे तक, रात को कभी देरी से भी सोई, उठना टाइम पर। एक बार ही रमेश भाई के घर कोई MP मिलने आया था, रात को 12 बज गया, सवेरे फिर भी 2:30 बजे उठ गई। रमेश भाई ने पूछा कि मामा आप इतना देरी से सोई और इतना बजे उठ गई, तो कहती है ये तो हमारा पीयू से मिलने का टाइम है, मैं कैसे मिस करूँगी। तो इसलिए मम्मा का योग इतना ज़्यादा था, जो उसको देखते ही लोगों को साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी का, देवी का, अपनी इष्ट देवी का साक्षात्कार होता था। तो अभी वाचा सेवा तो करते ही है, परंतु समय ऐसा होगा मनसा सेवा ज़्यादा, अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है। तो इसलिए अपने को सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं कहलाना है, अभी आपको तपस्वी कुमार कुमारी है, इसी रीत से सब जाने, इतनी योग तपस्या हो। और योगियों के लिए त्याग जरूरी है, वैराग्य जरूरी है, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं। इसलिए पहले तो पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु
कमल फूल समान पवित्र रहो, ये जरूर हो कि हम इतना पवित्र रहें जो अपवित्रता ना छू सके, क्योंकि माया जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है। तो पुराने संस्कार, पुरानी आदत, विकारी संस्कार, उसका त्याग करना है और दिल से जो भी करना है दिल से, वो जाना लगे। मामा कहते हैं जिम्मेवारी निभाओ, वो जाना लगे निमित बनकर। घर बार में रहो, ट्रस्टी रहो, सेंटर पर रहो, निमित। दादी प्रकाशमणि, कईयों ने आपने देखा होगा, सदैव हल्के, सदैव हर्षित। हम लोगों ने पूछा, बाबा दादी आप इतनी हल्की क्यों? मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वो है। रोज रात को सोने के पहले थैंक यू बाबा, आज का दिन अच्छा हुआ। सोती थी, एक मिनट में नींद आ जाती थी, और सोने के पहले मुरली जरूर पढ़ती थी। उसके कमरे में मोहिनी बहन भी रहती थी, तो कभी देरी हो जाती थी तो खुद टॉर्च से मुरली पढ़ती थी कि मोहिनी को डिस्टर्ब ना हो, तो पढ़ती जरूर थी। और सवेरे हम गुड मॉर्निंग करने जाते थे मुरली के पहले, तो मुरली के कुछ ना कुछ पॉइंट सुनाते थे। तो समझो हमें ऐसा वैरागी बनना है कि ये दुनिया भी साधन है, यूज़ करो, परंतु उस पर डिपेंड ना रहो, या इच्छा ना हो कि मेरे पास ये भी हो, ऐसा भी हो। तो इसलिए इच्छा ना रहे और लोभ ना रहे। सूक्ष्म में, सूक्ष्म है ना, लोभ का सूक्ष्म रूप इच्छा है, अच्छा लगता है, वैराग्य साधन है, यूज करो, नहीं है कोई बात नहीं। तो इसी रीत से अपना जीवन ऐसा बनाओ जो लोग आपको देखकर समझे ये फरिश्ता है, देवता है। तो भट्टी से ये सौगात ले जाना, फरिश्ते की ड्रेस, फरिश्ता बनकर घूमना और वहाँ भी जाओ तो आपके लौकिक कहे कि ये तो क्या फरिश्ता गया है, इतना परिवर्तन यहाँ से करके जाना। चार दिन की भट्टी है। हमारे दादियों को तो 14 वर्ष मिला था भट्टी के लिए। आजकल तो 4 दिन की भट्टी। तो 4 दिन की भट्टी में मैक्सिमम अपना लाभ लेकर जाना,
और अपने में इतना देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करना जो व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ और संत महात्मा बनकर जाओ। ओम शांति। योग करेंगे।